ऋग्वेदीय सांख्यायनीय शाखा में जो त्रिपुरा महोपनिषद, इसको कुछ लोग केवल महोपनिषद भी लिखते हैं, इसलिए एक और महोपनिषद अलग है, इसे इसको त्रिपुरोपनिषद या त्रिपुरा महोपनिषद नाम से कहा जाता है। ऋग्वेदीय है, सांख्यायनी शाखा का है। इस पर आपने अपय दीक्षित कृत अधिकारी भाष का वर्णन पढ़ा और फिर राघवानंद तीर्थ का शिष्य रामानंद तीर्थ के द्वारा कृत विस्तृत भाष्य का अध्ययन हुआ और अब तीसरा भाष्य पढ़ने जा रहे इसका भास्कर राय आचार्य हुए, भास्कर आचार्य, उनके द्वारा प्रणीत यह संक्षिप्त भाष्य। वे अपने मंगलाचरण में देखे क्या बोलते हैं। पहले सहस्त्र दल पद्म में श्री नाथांग्रप्तत्वये सति कमले कमलोत्पत्ति न दृष्ट्यत्युक्तः कथम। कदे सहस्रदल पद में, सहस्रदल पद में श्रीनाथ अर्थात शंकर भगवान अंग्रि अब्जद्वय चरण कमल द्वय में कमले कमलोत्पत्ति न दृष्टा, हे कमले संबोधन देवी के लिए, वहां पर आप कमला की उत्पत्ति ही जो नहीं देखते हैं, ऐसी जो उक्तियां हैं या कैसी हो सकती है। माने शिव से अभिन्न रूप आप शक्ति वहां उत्पन्न है और वहां आप रहकर ज्ञान क्रिया शक्तियों के द्वारा विकास और संकोच को प्राप्त होती है, इस बात को नहीं देखते हैं, नहीं दिखता है, ऐसे कहते हैं न दृष्टा इति उक्तयः, ऐसी जो उक्तियां हैं यह कथम, यह कैसे हो सकता। मैंने केवल अद्वैत का एक तरह से निषेध कर दिया न सीधे ही, इस उपनिषद का विषय केवल अद्वैत नहीं है ना, इसे कहते केवल अद्वैत कैसे हो सकता है, बिना शक्ति का शिव हो यह कैसे हो, और जो शिव को देख रहे शक्ति को नहीं देख रहे हैं यह कैसे होगा। मैंने बिल्कुल गलत कहने का मतलब उनका काकपन निषेध कर दिया, ऐसे जो लोग कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं सुनिए, हम जो कह रहे हैं परंपरा के अनुसार कहते हैं, हमारी परंपरा क्या है वो भी सुन लीजिए। श्री सांख्यायन कल्प सूत्र विधि भी कर्माणि ये कुरुवते येषां शाकल एव मंत्र निचयः कौशीतकं ब्राह्मणं तैरारण्यक मध्य मंत्र वितर या पठ्यते भवृचै ऋग्भि षोडशभिर् महोपनिषदं व्याचक्ष्महे तां वयम्। वयम तां व्याचक्ष्महे, हम उसकी व्याख्या करने जा रहे हैं जो कहां है ऋग्वेद में है और 16 ऋचाओं के द्वारा विरक्त है। ऋग्भि षोडशभिः 16 ऋचाओं के द्वारा प्रकट इस महोपनिषदम ताम महोपनिषदम, उस महोपनिषद को हम व्याख्या करने जा रहे हैं। और ये कहाँ है, कहते श्री सांख्यायन कल्प सूत्र विधि भी, सांख्यायन शाखा और शाखा को पालन करने वालों के द्वारा पठित कल्प सूत्र और वहां तत्रस्थ विधियों के माध्यम से ये कर्माणि कुर्वन्ति, जो कर्मों को किया करते हैं और जिनका ये शाम शाकल एव मंत्र निचय, शाकल ब्राह्मण भाग में शाकल एक शाखा है, वो भी किसी ऋग्वेदीय शाखा है, शाकल शाखा, उस शाखा का ही मंत्र निचय मंत्र संहिता शाकल का लेते हैं और ब्राह्मण भाग कहां से लेते हैं, कौशितकम ब्राह्मणम, जिनके ब्राह्मण कौशित की ब्राह्मण है, जिनका मंत्र भाग शाखल मंत्र भाग है और जिनके कल्प सूत्र सांख्यायन आदि के द्वारा कहा हुआ कल्प सूत्र आदि के अनुसार जो लोग कर्म कांड किया करते हैं वे कई उनके द्वारा आरण्यक मध्य मंत्र वितीर, आरण्य का बीच में मंत्र के विस्तार के अंतर्गत या बवृचय ही ऋग्भि षोडशभिः पठ्यते, बवृच शाखाओं के द्वारा बवृच शाखा वालों के द्वारा जो ये 16 ऋचाएं पढ़ी जाती हैं जिसका नाम महोपनिषद है, ताम उसको
वयम मने हम या चश्मे व्याख्या करते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ आप करके भास्कर राय ने इस उपनिषद का पूरा गोलपट्टी खोल दी, कहाँ का है, कैसा है, क्या है, पूरी उस पर कृपया बता। यह खलो त्रैवर्णिकर अध्येतव्य वेदः पूर्वोत्तर कांड भेदेन द्विविधा। इस संसार में रह जीने वाला हर एक मनुष्य विशेष रूपेण त्रैवर्णिकों के द्वारा ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य वेद अध्ययन जरूर करना चाहिए। त्रैवर्णिक अध्येतव्य वेदः, ऐसा वह अध्येतव्य वेद में दो भाग है, पूर्वोत्तर कांड भेदेन द्विविधा, पूर्वकांड और उत्तरकांड। पूर्वकांड है कर्म और यहाँ विमान कर वेद की भाग हो रही है यहाँ पर कर्म और उपासना। उत्तरकांड है ज्ञान कांड। स उभय विधोपि साक्षात परंपरा क्रिया विशेष विधान आय प्रवृत्ता है ना, पूरा कट्टर मीमांसक बोल कर्म कांड में ले लिया, वेदांत छोड़ दी। ये कहते उभय विधोपि संपूर्ण वेद, चाहे कर्म उपासना भाग हो चाहे ज्ञान भाग हो, संपूर्ण वेद या पूर्व कांड उत्तर कांड से दोनों के दोनों भाग क्या है, साक्षात कोई क्रिया का विशेष का विधान कर रहा है, कोई परंपरा क्रिया विशेष का विधान कर रहा है, यानी क्रिया का ही विधि है पूरा वेद में कह दिया। कहीं आत्मा तो कुछ नहीं, वेदांत प्रदान कुछ नहीं, सब क्रिया का ही बोध करा रहा है। क्रियाश्च काश्च, और क्रिया भी कैसी होती है, है? कोई क्रिया देवता को उद्देश्य कर की जाती है, कोई क्रिया बिना देवता का की जाती है। काश्चित सदेवता कहा, काश्चित अदेवता कहा, अग्निहोत्र स्नानादयो रामकृष्ण उपास्तयो उपास्त योषित अग्नि आदि उपास्त्यादेश्च, रामकृष्ण उपास्ती और योषित अग्नि आदि उपास्त्यादेश्च। जैसे पहले का दृष्टांत दिया काश्चित सदेवता का, सदेवता क्रिया क्या है, अग्निहोत्र हुआ स्नान हो, अग्निहोत्र हो गया सदेवता, स्नान हो गया अदेवता, ठीक है, राम की उपासना सदेवता को गया, और योषित अग्नि आदि दृष्टि जो की बताई गई है वो अदेवता को उपासना। दो दृष्टांत क्रम से दिया गया, एक कर्म और एक उपासना का दिया। कर्म ऐसा सदेवता कर्म कौन है, जैसे अग्निहोत्रिया करते हैं कर्म कांड हो रहा है, ये सब क्या है सदेवता है, और अब स्नान करते हैं लोग, शंगार करते हैं, शौच करते हैं, खाना करते हैं, घूमते फिरते हैं, सब क्या है अदेवता क्रिया नहीं है, सामान्य क्रिया है। फिर उपासना में भी जैसे राम की उपासना करते हैं, कृष्ण की उपासना करते हैं, देव की उपासना करते हैं, ये सदेवता को उपासना है कोई, और अदेवता को उपासना क्या है, जैसे स्त्री को आपने अग्नि मान बैठे ना, पंचाग्नि उपासना में क्या बोलिया, बादल भी अग्नि है, सूर्य भी अग्नि है, उसमें आहुति चंद्र का दे दो, तो वहां से बादलों की आहुति पृथ्वी में पड़ गया, पृथ्वी से अन्न बना, अन्न की आहुति पुरुष में चला गया, पुरुष भी अग्नि है, इसीलिए पुरुष ने वीर को स्त्री में छोड़ा, स्त्री भी अग्नि है। इस तरह से इन चीजों में स्त्री को पुरुष को बादलों को इत्यादि को अग्नि के दृष्टिकरण जो बोला, पृथ्वी को दृष्टिकरण बोला, सूर्य को दृष्टिकरण बोला, ये क्या है अदेवता को उपासना है। ये तो हो गया विभाजन, बता दिया कि सारा वेद क्रिया पर की है, ठीक है, चाहे अदेवता को चाहे सदेवता को, सारे जीवन क्रिया प्रधान चल रहा है, क्रिया के बिना जीवन नहीं, ठीक है महाराज। फिर इसके अधिकारी कौन होगा, अधिकारी नस्तो देहात्रिक्त आत्मा परलोक यातायात क्षमो अस्तीति विश्वासशीला अधिकारी न हो। वे इसके अधिकारी हैं जो क्या मानते हैं, देह से भिन्न आत्मा है, यह लोग परलोक में आने जाने में सक्षम है, ऐसे आत्मा है, इस प्रकार के विश्वास रखने के स्वभाव वाले लोग हैं जो, वे ही अधिकारी हैं। ये तो कर्मकांड करेंगे, वो तो ज्ञान प्रभाषित है ना, एक क्रिया प्रभाषित, पहले बोलते तो प्रयोग प्रधान ही है, शुरू में बता दिया था इनका भाष्य प्रयोग प्रधान क्रिया प्रधान, और वो ज्ञान प्रधान भी पूरा अद्वैत पर ले जाने कोशिश कर रहे थे हर जगह को, अरे हर बात को देखिए क्रिया पर कैसे ले जाते, एक ही मंत्र वही मंत्रों का एक वक्ता कह रहा व्याख्याकार क्रिया परक ले रहे हैं, दूसरा व्याख्याकार ज्ञान परक ले रहे हैं। शिला एव आमुष्क फल क्रियासु यथा अधिक्रियन्ते, जैसे आमुष्क फल और क्रियाओं में जिस प्रकार से क्रिया करते हैं, तथा तेषोपि देवता नाम अस्मदादिभिर् अदृश्यमानानामपि अभिमत फलदान क्षमा शक्ति काचिस्ति विश्वासशीला एव
रामकृष्णादि उपासनावधि क्रियंत है। तो सामान्य अधिकार बता दिया, जिनको शरीर से बिना आत्मा मानते हैं और उस आत्मा मानने वालों में भी जो परलोक में आने जाने वाला आत्मा है ऐसे मानने सामान्य अधिकार हो गया। विशेष अधिकार कब बनता है? आप देवता की उपासना कब करेंगे? जब देवता पर विश्वास होता ना, कोई देवता है करके। कहीं आपका देवता तो आज तक देखा नहीं, किसी ने देवता को देखा नहीं देखा, और नहीं देवता को हाँ देवता आ गई, देवता आया कि नहीं आया भगवान जाने, नाटक हो रहा है कि सच्चाई है, और हमने ही देखा ज्यादातर इसे और तुम भी क्यों आते देवता समझ में नहीं आया, पुरुषों पे क्यों नहीं आते हैं? नहीं कोई भी देवता पुरुष देवता नृसिंह भगवान आते हैं यहाँ पे, भैरव आते हैं आते लोगों पे, औरतें पे ही आती सब, चाहे भैरव आवे चाहे नृसिंह आवे, सब औरतों पे आते। दक्षिण में एक आदमी था, वो कहते मेरे पर भगवान राघवेंद्र स्वामी आते, वो भी कुछ दिन लीला चल रही थी, खूब कमाया हुआ समय बाद में ठप हो गया, बदनाम हो गया, नाटक कब तक चलता? हमने जितने घूमे फिरे एक जो आदमी को देखा जो कहता मेरे पर देवता रहे को संत आ रहे को आ रहा, और बाकी जब औरतों को ही सुना मैंने, कहीं भी जाओ औरतों पर ही आ रहे। इन देवताओं पर जो विश्वास नहीं है यहाँ कहने का अभिप्राय है आप देवता विषय को उपासना नहीं करते, फिर आप अदेवता को उपासना कर सकते हो, सदेवता को उपासना का अधिकारी आप नहीं रहेंगे। उपासना में वही बता रहे अधिकारी भेद बता रहे हैं ना भैया, वे कह रहे हैं जिन लोगों को आमुषिक फल और आमुषिक क्रियाओं में जैसा अधिकार माना जाएगा तथा तेषु उनमें से भी उन अधिकारियों में विभाजन फिर होगा। क्या विभाजन है? देवता नाम असमदादि अदृश्य मानन मति, देवता कैसे हैं हम लोग दिखाई तो नहीं देता, अदृश्य मानन मति अभिमत फल दान क्षमा शक्ति काचित अस्ति, आपने मान लिया है आपके अभिमत फल देने की क्षमता और उनकी शक्ति उनमें है। इति विश्वासशीला ऐसे विश्वास भाव वाले लोग ही रामकृष्णादि उपासतौ अधिक्रियन्ते, रामकृष्णादि उपासना करने में अधिकार होता है। शांतो देवता शब्द जन्मांतर कर्म वशाद अनाश्वास, लेकिन जो लोग देवता के सद्भाव में विश्वास ही नहीं, क्यों विश्वास नहीं कर रहे हैं? कहते उनके पूर्व जन्म कोई कर्म ऐसा है, पापी नहीं कह रहे जन्मांतर कर्म वशाद, जन्मांतर कोई कर्म के वजह से उनको देवता के सद्भाव में ही विश्वास नहीं है, लेकिन वो आस्तिक भी है। जैसे आज के टोटल आर्य समाज ही ब्रह्म समाज ये समाज वो समाज दुनिया और बने हुए हैं, ये सब क्या मानते? कोई देवता तो कुछ नहीं, मंत्री देवता, उनके लिए ही मीमांसा दर्शन बना, जिनको यह विश्वास ही नहीं कोई देवता नाम की चीज है, अपने से उत्कृष्ट कोई देवता नाम का जीव है जो फल देने में समर्थ है, यह बात जो विश्वास नहीं, किंतु वेद में आस्था है, आस्तिक है नास्तिक नहीं, वही कह रहे हैं यद्यपि विश्वास नहीं अनाश्वास आस्तिकता च, आस्तिक भी है ते, उन लोगों के लिए पूर्व कांडोक्त कर्मसु एव अधिकारिनो न देवता उपासनायाम, ते पूर्व कांड में कहे हुए कर्म ही उनके अधिकार है, उपासना में कोई अधिकार नहीं। तादृश जन अभिप्राय नहीं, वह ऐसे लोगों के अभिप्राय को मन में रखते हुए मीमांसा दर्शन में महर्षि जैमिनी ने देवता का शरीर नहीं है करके खंडन कर दिया। देवता के विग्रह आदि पांच का खंडन किया ना, विग्रह आदि पंच का खंडन, विग्रह अविशाम भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता फलदातृत्वं चित्तेते, विग्रहादि पंचकम विग्रहाधिकम पंचकम विग्रहाधिकम ये है। अतएव तादृश कर्म कह ना तादृश जनाभिप्राय नहीं वह देवता नाम विग्रहादि पंच का निराश है ना, देवता के विग्रहादि पांच का निराश करके कर्म प्राधान्यवाद समर्थित हो जैमिनिया भी कर्म प्राधान्यवाद का समर्थन किया जैमिनी और जिस ज्ञान सरस्वती आदि लोगों ने आर्य समाज के लोगों, और जो इसके विपरीत दूसरे लोग हैं अतएव अभी पहले उन्हीं के लिए बोल रहे अतएव तादृश कर्मठानाम एव तादृश कर्मठानाम एव कर्म परिपाकवशात् कतिपयानाम शिवशक्ति पूजन प्रवृत्तौ सत्या,
उनकी ही कर्मठ होने के नाते कर्म के परिपाक के वजह से उनका अंतगुण शुद्ध हो जाता है जब, तो उनमें से कुछ लोग क्या करते हैं, शिव की पूजा शक्ति पूजा भी करने लगते हैं। आर्य समाज ही है, पूजा नहीं करना चाहिए, फिर छुप छुप के जाते हैं शिव मंदिर में, जब चढ़ा के आ जाते हैं, है देवता तो कुछ नहीं, फिर चुप चुप के जाएंगे गंगा जी में चढ़ा के आ जाएंगे, माँ कृपा करो हाथ जोड़ के आ जाएंगे, अभी जरा मूर्ति खंडन भी कर देंगे। तो लेकिन अभी वो अब है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेज है, क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसिशन स्टेज है, उसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसिशन स्टेज, मतलब बदलने की स्थिति है, वो पूर्ण रूप इधर भी नहीं और उधर भी पूरा जा नहीं पा रहे, इधर की बात कहते रहते हैं और थोड़ा थोड़ा उधर की भी करने लग जाते हैं, धीरे धीरे वो पूरा इधर की छूटेगा और उधर आ जाए। ऐसे जो बीच के लोग हैं उन लोगों के लिए क्या हुआ, कहते हैं सब क्या मीमांसा के मत परित्याग प्रयुक्त, तो क्या करना पड़ेगा, मीमांसा के मत का परित्याग से प्रयुक्त, उपहासो उपहास जो है वृत्तो वर्णितो मृगेंद्र संहिता नृसिंह संहिता नाम के ग्रंथ में बहुत विस्तार रूप में उसको उपहास मजाक उड़ाया गया है ऐसे लोगों की। और अब रहा जो देवता की उपासना करना चाहते हैं उनकी बात, ये तो देवता उपास का जो देवता में विश्वास कर रहे हैं, हमारे भी कोई प्रमाण है क्या, ये अंधविश्वास हम कर रहे हैं, पर उनके लिए तो कम से कम जैन ऋषि ने कह दिया देवता का विग्रह नहीं है, केवल कर्म करो तुम, हम लोग जो कर रहे हैं हमारे भी समर्थन कोई ऋषि ने कभी कुछ कहा कि नहीं कहा है, तो कहा आपके समर्थन तो वेदव्यास जी खुद खड़े हैं, ब्रह्मसूत्र में उन्होंने विग्रह की स्थापना कर दी, ब्रह्मसूत्र सिद्ध किया देवताओं का विग्रह आदि है, पांचों है उनकी सामर्थ्य, वही समझा रहे देखो, ये तो देवता उपवास का उपास का तैरपी विग्रहादि पंच का पन्नव अभिप्राय रहस्यम जना नहीं जाना नहीं रपी कनो प्राधान्य वादो न निरस्य, ये जो जान लिए देवतादि का विग्रहादि पंचक के अपन्नव के अभिप्राय का रहस्य को, मैंने देवता के विग्रहादि का जो जैमिनी ने निषेध किया है उसके अभिप्राय और उसके रहस्य को जानने वाले आप, लेकिन ये मत करना कि कर्मकांड को त्याग देना, वो भी गलत न, उसे खंडन करना, हम उपासना में लग गए हैं, अरे क्या है कर्म कुछ नहीं, जो कर्म करने वाला है उसको भी कर्म छुड़ा दो, गलत है, उनको तो कर्म कराना ही चाहिए, वही कह रहे हैं तो क्या करना, अभिप्राय रहस्यम जाना नहीं रपी ना, अभिप्राय का रहस्य को जानते हुए भी कर्म प्राधान्यवादो न निरसनिया, कर्म प्राधान्यवाद का आपको खंडन नहीं करना चाहिए, आप उपासना कीजिए जरूर, कर्म छोड़ दीजिए आप भले, लेकिन उसे खंडन नहीं करना, उसके भी अधिकारी दूसरे हैं जिनके लिए वो जरूरत है, उनके लिए वो बनाया गया है वेद में, ध्यान में रहे ना, जो मैं बार बार बोलता हूं अधिकारी भेद से हर बात वेदों में कही गई, कि हर चीज के अधिकारी हैं, उन अधिकारियों को मन में रख करके श्रुति ये बात अंदर समझाती है, ये उन लोगों के लिए, इसलिए हमें कभी कर्म का खंडन नहीं करना, गीता में भी कहा है अज्ञानियों के सामने कर्म का खंडन मत करो, अपने ज्ञान की बखान मत करो, मुमुक्षुओं के सामने ज्ञान बोलो, अज्ञानी मूर्ख बैठे हैं तो ज्ञान की चर्चा नहीं करना वहां पर, वहां तो कर्म का कहो भक्ति का कहो क्रिया प्रधान कथन करो, कर्म प्रधान कथन करनी चाहिए, तथात्वे तार्श कर्मठानाम चित्त परिपाक विशेष मंत्रेण, यदि आपने मान लो कर्म का खंडन कर दी तो क्या होगा, वो भी कर्म छोड़ देंगे, कहेंगे हम महाराज गुरु महाराज ने कह दिया कर्म बेकार है, ये तो हो रहा है, अनपढ़ों के सामने उल्टा सीधा उपदेश दे दिया, सब नास्तिक हो रहे हैं, उल्टा सीधा हो रहा है, तो करेंगे क्या वो लोग, वही करे तथापि मैंने आपने कर्म का खंडन कर दी तो तार्श कर्मठाना चित्त परिपाक विशेष मंत्रिण, वे जो कर्मठ थे कर्म निष्ठा रखते थे कर्म करते थे उनसे आपने कर्म छुड़ा दिया, उस स्थिति में आपने छुड़ा दिया कि उनके अंतकरण भी शुद्ध ही नहीं है, चित्त परिपाक विशेष के बिना समर्थ्यमान अर्थ विश्वास अनुदयात, उनके समर्थ्यमान पदार्थ में विश्वास को उदय ही नहीं होगा, निरसन युक्ति भी तद अवलंबित अर्थ संदेह उदय तो, और आपके निरसन करने की युक्तियों के द्वारा उनके द्वारा अवलंबित पदार्थ में संशय पैदा हो जाएगा, तब तेषाम उभय भ्रष्टता बेचारे न घर के न घर हट गए हो जाएंगे, दोनों तरफ से भ्रष्ट, अतएव तेषां संरक्षणार्थमेव इसे उनके रसन रक्षण करने के लिए उपासकैरपि तानि कर्माणि तद्वदेव
सविश्वासम इव कार्याणि एव। से उपासक होने के बावजूद भी आप भी उसी प्रकार से जैसे सविश्वास पहले आप कर्म करते रहो, आप भले विश्वास रहित और कर्म कीजिए, इन वैसे ही आपका कर्म करने का एक्टिंग करना पड़ेगा। ये तदिप्राय नैव, इसी अभिप्राय से भगवान ने गीता में कहा भी है, लोक संग्रह एवापि संपश्यम कर्तुम अर्हसि। लोक संग्रह एवापि, दुनिया को एक आदर्श स्थापित करने के लिए सही उसे देखते हुए आपको अवश्य कर्म करना चाहिए। एक और श्लोक में कहा, न बुद्धि भेदम जनयेत् अज्ञानं कर्म संगिनां। कर्म में आसक्ति रखने वाले जो अज्ञानी हैं, उनमें बुद्धि भेद पैदा नहीं करना, उनमें संशय पैदा नहीं करना। उनके समय कर्म का खंडन करोगे, वो सोचेंगे क्या भाई शास्त्र में एक कहा, शंकराचार्य ने एक कहा, वेदांत में ऐसी है, वेद ने कृष्ण बात कह दी, अरे हम क्यों कर्म करें, और कर्म करो गलत है कि सही है, वो चक्कर में पड़ जाएगा बेचारा, छोड़ देगा तो ना घर का घाट का हो जाएगा। इसलिए अज्ञानी जिसको कर्म में आसक्त है उसको कर्म करो। हम लोग कहना, जिसको होता है मेरे पर भूत सवार है महाराज, हाँ एक नहीं दो है, कहो उसको हाँ तेरे पर है भूत, उसको छुड़ाने के पास में करनी पड़ेगी, अब वो करेगा नहीं तो नहीं करेगा। आसान है क्या छुड़ाना, कोई बात कर प्यार करना गलत है कि आज की भाषा में प्यार करना गलत है, बिल्कुल गलत नहीं, बिल्कुल सही कर, करो करो प्यार करनी चाहिए, खुश हो जाता हाँ महाराज जी हमारे पक्ष में। फिर वो कहेंगे लव मैरिज की बात करते हैं, तब हम कहते हैं लव मैरिज के लिए सतर्क होना, फिर कई बात हमें बताना पड़ता है, धीरे 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 उसको बदलना पड़ता है। कई दृष्टांत कुत्तों का दृष्टांत देता हूँ, मैंने जानते थे बाजार में कुत्तों को खरीदारी करता हो देखा तुमने, नहीं सुना भी होगा कम से कम, हाँ खरीदारी होती है। एक पिल्ले का दाम कुछ नहीं होता है, फ्री में मिलता है, जो गली में पैदा होते हैं पैदाम है उसकी। और जाइएगा अलग अलग जाति का मांगिए तो 50 रुपये से लेकर से 2 लाख रुपए तक के पर पिल्ले मिलता है कुत्ते का। ये जर्मन हाउंड कुत्ता है ना, जर्मन हाउंड भयंकर देवदेव आदमी कहां पर गया देखते हैं, ऐसे भयंकर हो इतना बड़ा है, लंबा चौड़ा मुंह इतना चौड़ा, एक बार बोलेगा भोंगेगा तो आदमी भाग जाएगा। उसके पिल्ले का दाम 2 लाख रुपए आज के डेट में, मतलब आदमी का दाम नहीं 2 लाख रुपए, सस्ता है आदमी। तो कहने के अभिप्राय है कि बुद्धि, इसलिए बुद्धि वेदम ना चलिए अज्ञान कर्म संगीना इत्यादि निषेधाश्च। इसलिए विद्वान उपासकों को, विद्वान ज्ञानियों को, सबको निषेध किया भगवान ने कि भाई आप जो कर्मासक्त पुरुषों को कर्म मत छुड़ाओ। आप उपासक भले हैं ठीक है, उपासना कीजिए, और कर्मी के सामने आप कर्म भी कीजिए, और जो कर्म करने की प्रेरणा दीजिए, सहयोग दीजिए। कहते हैं हम क्यों करें, हम तो ऊपर चढ़ गए ना। कहते उत्तर भूमि का अधिरूढ़ रवि कर रहे हैं, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छी बात कह रहे हैं यहां, उत्तर भूमिका अधिरूढ़ पूर्व भूमिका यहा समर्थनम स्वरूप के अप्रकाशन च अवश्य कार्य पिंडित वर्ता। अभी तक जो शास्त्रार्थ हमने कर बताया उसका निचोड़ यह है, हम किस भूमिका में हैं ये बताना ही नहीं, बल्कि जो जिस भूमिका में तुम्हें समझ में आ रही है उसी भूमिका का समर्थन कर। उत्तर भूमिका में अधिरूढ़ पुरुषों के द्वारा पूर्व भूमिका का समर्थन करना और स्वभूमिका का अप्रकाशन अवश्य कर्तव्य, अप्रकाश अवश्य करनी चाहिए। तब कहेंगे महाराज फिर तो ज्ञान आदि का गायब भी हो जाएगा संसार, हम बतावे ही नहीं, हमारे कुछ ज्ञान है भी तो करो उपासना के अधिकार है सारी दुनिया, तो करो उपासना ही चर्चा हम करें और ज्ञान की चर्चा ही ना करें फिर तो गायब हो जाएगा ये परंपरा। तब कहते हैं इसीलिए तेना एक तो विधि निषेधो निस्त्रीगुण्य पति विचरता जीवन मुक्तनम अपनी आवश्यक इति सिद्ध।
इसलिए बात सिद्ध हो रही है, आप जीवन मुक्त भी क्यों ना हो तो भी विधि निषेध के यथा शक्ति यथा संभव जनता के सामने पालन करना चाहिए। तो जीवन मुक्ता नाम अभी आवश्यक आवश्यक है यथा संभव, इसको जो है कम से कम अपने कमरे में आप जैसा भी रहे कुछ भी ना करें आप, लेकिन बाहर जब निकलेंगे लोगों के सामने आप जाएंगे और कर्म और उपासना जरूर करनी चाहिए। ये शंकराचार्य की सबसे बड़ा आदर्श स्थापना थी, जहाँ शंकर भगवान की पूजा करना, अभिषेक रुद्राभिषेक करना, जगह सुरेंद्र स्थापना कर दिया, मंदिरों को उद्धार कर दिया, जनता के लिए अपनी स्वर्ग की जहाँ बात आती है तो केवल आदमी के वेदांत में ये शांत। लेकिन ऐसे आपके मान लो जीवन मुक्त अवस्था है, अभी जो है शरीर मन बुद्धि अहंकार सबकी ऐसी स्थिति हो गई है, अनेक जन्मों के अभ्यास से पूर्ण वेदांत में चले गए हैं, करोड़ उपासित थोड़ा सा भी इधर से उधर नहीं हो पाते, झुक नहीं पाते हैं, भीर्मुख हो नहीं पाते, तब क्या होगा? तब कहते देखो ये शांत बहुजन्म सु पूर्व कांडोक्त कर्मानुष्ठान वसात चित्त परिपाको दृढ़ो दृश्य। जिन लोगों में बहुत जन्मों में पूर्व कांड कर्म और उपासना के अनुष्ठान के वजह से चित्त एकदम शुद्ध हो गया और दृढ़ परिपाक है, यानी कच्चा परिपाक नहीं है, तादृशान प्रति तो सम्यक परीक्ष्य स्वभूमिका शनि श्री प्रकाशनीय एवं अन्यथा संप्रदाय विच्छेद आपत्ति। तब क्या करना, तादृशान प्रति अपने बराबर अधिकारियों को देख करके उसी प्रकार के जैसे आपकी अवस्था है, अंतरण शुद्ध ज्ञान के अधिकारी आप ज्ञान निष्ठ हैं, आप अगले को देखिए परीक्षा सम्यक परीक्षा कह दिया। हम लोग जैसा नहीं, हम लोग बिना परीक्षा ले सीधे जो आगे वेदांत पढ़ाना शुरू कर देते, जो आ जाओ बैठो सुन लो, नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए। सम्यक परीक्षा स्वाम भूमिका शनि शनि ही आप जिस भूमिका में है उस भूमिका को धीरे धीरे एक साथ नहीं बता देना सारी बातें, जैसे आप लोग कुछ पढ़ते सारी बता दो अभी धैर्य रखो भाई, धैर्य रखो, क्यों हड़बड़ा रहे हो, अरे एक कर लो फिर दूसरी करो फिर तीसरी करो। तो शनि शनि प्रकाशनीय एवं प्रकाशन जरूर करनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, अन्यथा संप्रदाय विच्छेद आपत्ति ज्ञान संप्रदाय का विच्छेद हो जाए। सिर्फ अधिकारी भेद से अपनी भूमिका किसके सामने बताना खान नहीं बताना, खा के अगले की भूमिका ही चर्चा करके उसी की समर्थन करनी, बहुत सोच समझिए करना पड़ता है। धर्माचार्य पद में बैठ गया पैसा दे करके आसान है, लेकिन यही कठिन काम होता है, धर्माचार्य बनना आसान है, इन अधिकारी भेद को पहचान करके किसको क्या देना, किसको किससे प्रवृत्त कराना और अपनी बारे में किसी के सामने कहना किसी को नहीं कहना, बहुत कठिन काम, ये विचारणीय विषय होता है। त्रिपुर सुंदरी उपास्ति पर्यंता ये भूमिका देदा, कहते महाराज मुझे भूमिकाओं का भेद ही मालूम नहीं है, कहते फिर वामकेश्वर तंत्र पढ़ लेना। वामकेश्वर तंत्र में निकृष्टतम जो साधना कर्म से लेकर के विभिन्न भूमिकाओं की चर्चा, श्री विद्या की उपासना पर्यंत जितनी भूमिकाएं सबकी चर्चा की गई है। त्रिपुर सुंदरी उपास्ति पर्यंता ये भूमिका ते तो सविस्तारम वामकेश्वर तंत्र व्याख्याने सेतु बंध अस्माभिः प्रदर्शिता। वामकेश्वर तंत्र व्याख्यान में इनकी व्याख्यान का कोई ग्रंथ होगा, सेतु बंध नाम का टीका लिखी होगी उस पर, तो उसके द्वारा मेरे द्वारा ही प्रकाशित किया भूमिकाओं को विस्तार पर समझा। उपासना शास्त्र तो देवता प्राधान्यवाद एवं न कर्मण प्राधान्य, उपासना शास्त्र में देवता की प्राधान्यता वाद ही चलेगा, विचार चलेगा, कर्म प्रधान विचार यहां नहीं होता। और क्रिया प्राधान्य अभाव देव, क्रिया प्राधान्य का अभाव होने के नाते देवता रूप सिद्ध वस्तु बोध का वेदांता इति वाच्य, देवता का स्वरूप को ही सिद्ध वस्तु का बोध कराने के समान समस्त वेदांत परिषदों की प्रवृत्ति है, समझनी चाहिए। अब आते ठीक ये त्रिपुर परिषद में देवी का संबंधी उपासना संबंधी उपनिषद है,
इन्होंने क्रिया प्रधान मान लिया, इसे क्रिया प्रधान हम बोलेंगे अभी। तो फिर ये देवी का क्या स्वरूप है बताइए। कहते कोई भी देवी हो, कोई भी देवता हो, तो उसका तीन रूप होता है। देवता ऐसे तीन रूपान, देवता का तीन स्वरूप है, स्थूलम सूक्ष्मम परम च इति। एक स्थूल रूप है, एक सूक्ष्म रूप है और एक परस्वरूप है, उसका वास्तविक रूप परम, उसके अपने वास्तविक स्वरूप। कहते हैं पहला वाला कौन सा है, तत्र आद्यम, उनमें से पहला जो स्थूल रूप किस लिए है, तत्त ध्यान श्लोकोक्तम। तत्त ध्यान श्लोकों में पता नहीं चार आते हैं, इसलिए रखा वो रखा है, अस्त्र शस्त्र वगैरह वर्णन होते हैं, तो वो सारी चीजें जो वर्णन होता है वो उसका ध्यान के योग्य श्लोकों में कहा हुआ जो रूप है उस देवी का स्थूल रूप। द्वितीय तो तत्त मूल मंत्रात्मक, दूसरा कौन सी है, कहते तत्त मूल मंत्र ले लेना, देवता जो मूल मंत्र है वही देवता का सूक्ष्म रूप है। जिसे हम बार बार कहते हैं जो बीज मंत्र होते हैं ये देवताओं का अत्यंत सूक्ष्म स्वरूप है। आप स्थूल रूप पकड़ करके जितना लाभ उठा सकते हो उसके 100 गुना ज्यादा लाभ उसे सूक्ष्म पकड़ने से मिलेगा। तृतीय तो उपासनात्मक मेवा, और तीसरी कौन है, वो अभेद चिंतन रूपा उपासना। देवता रूप त्रैविद्या तद उपास त्रिविद्या, से देवता के स्वरूप में त्रिविधता होने से उसकी उपासना भी स्थूल उपासना सूक्ष्म उपासना परोपासना तीन प्रकार की माना जाएगी। पहली वाली कौन सी है, त्रिविधा बहिर्याग रूपा जपांत रूपा योग भेदाच, तीन बहिर्याग जपांत और योग भेदा। स्थूल क्या है, बहिर्याग रूपा होता है स्थूल उपासना, बाहर पूजा पाठ क्रियाकला बहिर्याग है, हवन करना है बहिर्याग, याग पूजा है, यहाँ पर देव पूजा का नाम यज्ञ धातु, देव पूजा संगति करण ऐसी है ना, तो इसलिए यहाँ पर याग शब्द का अर्थ होता है बहिर्याग मैंने बाह्य पूजा स्थूल। तो माला चढ़ाओ अभिषेक कराओ ये कराओ कराओ जो षोडशोपचार 64 उपचार आदि जो वर्णन हुआ है। और दूसरी है जपान, जपान में क्या है बीज मंत्र मिल गया है, आप उसको बीज मंत्र अपने साथ भेद करो, उस बीज मंत्र कवच का पाठ करो, अपने शरीर के अंगों में उसको स्थापित कर दो और उसी का चिंतन करते मंत्र जाप करो, तो जपान कर। और तीसरा है योग माने अभेद चिंतन, मैं ही साक्षात देवी का स्वरूप, देवी मयो मैं ही देवी, ऐसा अभेद चिंतन कर। तैदा सपरिकर ऋग्वेद पुरुष महोपनिषद रूपेण उपदिशति तीसरो प्रत्यादिना इति उपनिषद इत्यंतेना। वह यह सपरिकर माने सकल अंग प्रत्यंगों के सहित साधनों के सहित ऋग्वेद पुरुष या ऋग्वेद रूपा जो पुरुष ने क्या किया है, त्रिपुरा महोपनिषद नाम के इस ग्रंथ के द्वारा इन मंत्रों के द्वारा उपदेश दिया है। कैसे, तीसरो पुरुष आरंभ करके पहला मंत्र से इति उपनिषद 16वें मंत्र पर्यंत में अस्य उपनिषद परदेवदास तो विनियोग तृतीय दशम अर्च मंत्र रंगा। और यह उपनिषद परदेवता का स्तुति पर की है, इसमें क्या प्रमाण है, परदेव स्तुति में इसका विनियोग हो रखा है, पूरा उपनिषद परदेवता का स्तुति में हम विनियोग कर दे रहे हैं। कैसे निर्णय हुआ, तीसरे और दसवें मंत्रों से यह निर्णय हो रहा है। तृतीय दशम ऋचम दशम अर्चम, तीसरी और दसवीं ऋचारूपी मंत्र इसमें लिंगात हेतु से निर्णय हुआ। तत्र प्राधान्येन देवता निर्दिष्टम प्राथमिकीम ऋचम माह, उनमें भी सबसे पहले प्रधानता के साथ देवता का निर्देश करने के लिए ही पहली ऋचा आरंभ होती है।